एग बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए ये पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच है भर के, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और 8-10 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 लीमू लिए हैं, 4 अंडे लिए हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया है, और हमने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं, उनको हमने इस तरीके से काट लिया है, और हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच भर के हमने लिया है, आलू बुखारे हमने लिए हैं 5 अदद, और धनिया और पुदीना है ये मैंने आधी आधी गड्डी ली है, इनको धोकर हमने ऐसे काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के, इनको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और ये फूड कलर है इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, 2 पिंच हमने फूड कलर लिया था। और प्याज है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ की, इनको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। साबुत गरम मसालों में हमें काली मिर्च है हमारे पास है, थोड़ी सी दालचीनी का एक टुकड़ा है, लौंग है, और थोड़ी से हमारे पास जीरा है, 2 तेज़पात हैं, बादियान के फूल हैं 4 अदद, 2 बड़ी इलायची है और 3 सब्ज़ी इलायची है। तो हमने सबसे पहले कुकिंग ऑयल 1 प्याली लिया है, उसको हमने गरम कर लिया, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक हमें प्याज को फ्राई करना है। और अब मैं इसमें ये खड़े गरम मसाले, साबुत गरम मसाले डाल गई हूँ, तो इसको हम फ्राई करेंगे कि देखिए गोल्डन कलर आ चुका है इसका। तो अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम, और इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे इसको। और अब मैं इसमें खुश्क मसाले डाल दूंगी, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला पाउडर ये सब मसाले हमने डाल दिए हैं, और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना पकाना है इसे। ये देखिए इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें आलू डाल गई हूँ, और साथ में मैंने आलू बुखारे भी इसमें डाल दिए हैं, अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी मैंने लिया है ये डाल दिया है, तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब तक कि ये आलू गलेंगे मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ, इसको मैं कवर करके और रख देती हूँ। 1/2 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं, और चावल हमने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए, अब मैं इसमें ये साबुत गरम मसाले डाल गई हूँ, ये हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं, ये सारे इसमें चले गए, नमक भी हमने डाल दिया इसमें, नमक आप इतना डालिएगा जितना सूप में डालते हैं, तो इसी हिसाब से डालिएगा, चेक कर लीजिएगा, और धनिया और पुदीने की थोड़ी सी पत्तियाँ डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे, और इनको हम 80% बॉईल कर लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं आलू को गलते हुए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, मसाला हमारा भुन चुका है अच्छी तरह से, अब मैं इसमें से ये खड़ा गरम मसाले जो है तेज़पात मैं इनको निकाल देती हूँ, और अब मैंने इसमें एग शामिल कर दिए, तो उबले हुए अंडे डालकर मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी। और अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल गई हूँ, तो ये मैंने 2 ड्रॉप्स लिए हैं, केवड़ा एसेंस की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये बहुत थोड़ा सा ही डलता है, अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और हमारा ये कोरमा बनके तैयार हो चुका है,
और अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब हम तह लगाएंगे बिरयानी के। उसके लिए मैं सबसे पहले ये कुकिंग ऑयल डाल गई हूँ, यही जो हमने मसाला तैयार किया था कोरमा, उसी का ऑयल है। सबसे पहले मैंने ये डाल दिया है और अब हम इस पर चावल डालेंगे, चावल की लेयर लगाएंगे। और अब हम इस पर कोरमा डालेंगे। अब हम इस पर हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। फूड कलर डालेंगे। हरी मिर्च हमने डाल दी। अब हम इस पर चावल की एक और लेयर लगाएंगे। तो अब हम इस पर ये कोरमा, ये सागा डाल देंगे, पूरा इस पर फैला देंगे। तो ये हमने पूरा अच्छी तरह से इस पर फैला दिया है। तो अब मैं इस पर हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां डालूंगी। अब हम इस पर लीमू के पीस डाल देंगे ऐसे। और फूड कलर हम डालेंगे। तो अब मैं चावल की इस पर आखिरी लेयर लगा गई हूँ। ये हमने लगा दिए। तो सबसे पहले मैं इस पर फूड कलर डाल गई हूँ और अब हम इस पर हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां डालेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम इस पर लीमू के टुकड़े ऐसे रख देंगे। फ्राइड अनियन हम डाल गए। कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने डाला है ऊपर से। और अब मैं बिरयानी एसेंस डालूंगी, तो ये 1 चम्मच में डाल गई हूँ। इससे बिरयानी का बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, बिल्कुल देख जैसी बिरयानी का मज़ा आता है। ये मैंने डाल दिया है इस पर। तो अब हम इसको दम पर लगा देते हैं। तो इसको हम 15 मिनट के लिए दम पर लगा देते हैं हल्की आँच पर, और 15 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार शानदार बिरयानी हमारी बनी है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, हमारी बहुत मज़ेदार सी एग बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।